मित्रानु शौक हत्यारा दा बब्बू मान के इस पंजाबी गीत के बोल के साथ ही धनास का युवक चल रहा था जो कि अब सलाखों के पीछे है। जी हाँ, चंडीगढ़ थाना मलोया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब धनास का रहने वाला अमन ऑटोमेटिक 32 बोर और 4 जिंदा कारतूस के साथ घूम रहा था और इस दौरान पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया। आपको बता दें कि 33 साल का अमन मूल रूप से जौनपुर यूपी का रहने वाला है और चंडीगढ़ के बुड़ैल और नया गाँव में होटल चला रहा है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक ऑटोमेटिक पिस्तल लेकर घूम रहा है और कोई न कोई वारदात को अंजाम दे सकता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनकी टीम ने मलोया ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के पास से युवक को दबोच लिया और उसके कब्जे से 32 बोर की ऑटोमेटिक पिस्तल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपी की पहचान धनास निवासी अमन के रूप में हुई है। ये कल मेरी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पे थी, उसमें पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई आदमी यहाँ पे मलोआ के क्षेत्र में कहीं वारदात करने के लिए आया है, उसके पास है ना कोई नाजायज़ पिस्टल है। उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया, डेवलप करने के बाद रेडिंग पार्टी तैयार करेगी। रेडिंग पार्टी के दौरान एक सस्पिशियस पर्सन मिलता है ईवीएस कॉलोनी इलेक्ट्रिसिटी पार्किंग में, तो उसको पूछा, चेक कराया गया, तो चेक करने के बाद तो उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद होती है 32 बोर की, और उसके साथ उसके लाइव कार्ट्रिजेस भी 4 बरामद होते हैं, जिसमें से एक कार्ट्रिज उसके चैम्बर में था। उसको अनलोड करके उसको सारे का सारा सीजर किया गया और उसको बेसिकली पूछा गया तो उसने बताया कि भी मैं इसे को जौनपुर यूपी से लेके आया था, खरीद के लेके आया था उसको, ये कि बेसिकली रहने वाला भी वहाँ का है। तो फर्दर अभी इससे और पूछताछ कर रहे हैं, इसका एक दिन का रिमांड लिया गया है। ये इसके लोकल नेटवर्क है और इसको जहाँ से ये खरीद के लेके आया इसको दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं। जो पकड़ा गया आरोपी उसकी पहचान कहाँ की है, क्या नाम है? इसका नाम अमन है, ये धनास का रहने वाला है। बेसिकली ये होटल चलाता है, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसके बुड़ैल में भी होटल है और ये होटल नए गाँव में भी इसका होटल है। तो इसका सारा परिवार, इसकी फैमिली, इसके भाई भी हैं दो और इसके फादर साहब, वो सारे सारे इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक कुछ और जांच में सामने आया हो? काफ़ी चीज़ें इसमें नई निकल के आई हैं। तो ये इसको हथियारों का शौक रहा है, कोई भी है इसका किसी भी प्रकार का, इसको जो है टॉय गन है या कोई और भी है तो उनके साथ ये फोटो खिंचवाता है, तो उसको लेता भी है। उसके बाद फिर देखते हैं, इसको फर्दर अभी इंटरोगेट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से जो जो संपर्क में इसके होगा या जहाँ से कनेक्शन या कनेक्टेड होगा तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। वहीं थाना पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके तार यूपी से जुड़े होने के चलते पुलिस हर एंगल से मामले में जांच कार्रवाई कर रही है और आरोपी चंडीगढ़ में कहां कहां संपर्क में है और किस किस को और हथियार देने चंडीगढ़ आया था और आखिरकार कौन सी वारदात को अंजाम देने वाला था। पुलिस आरोपी अमन से गहनता से पूछताछ कर रही है और वहीं पुलिस इस मामले में कई और खुलासे होने की भी आशंका जता रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।